किसी भी प्रदेश की विकास की रेखाएं वहां की सड़कें होती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुलह विधानसभा क्षेत्र में गदियाड़ा पंचायत के अंतर्गत बाथू खड्ड पर 1,12,00,000 रुपए की लागत से बने पुल ने कुरना और चोंबू गांवों को विकास की रेखा से जोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि इस योजना के तहत बने पुल के बाद उन्हें कई परेशानियों से निजात मिली है और गाँव के करीब 500 लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। बच्चे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आती थी। पहले तो ये गांव था, काला पानी ही था ये, और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो ये पुल बना है, मैं प्रधानमंत्री जी का तय दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो गांव की जनता थी उसको बड़े परेशानी होती थी, जब बरसात पड़ती थी तो 2.5-3 महीने इनके बच्चों को, बीमार आदमियों को, शादी विवाह शादियों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, और जब बाढ़ आती थी तो लोगों को बैठकर इंतजार करना पड़ता था कि कब ये पानी कम होगा। नहीं तो जो पैदल रास्ता था कोई 2-2.5 किलोमीटर ने पैदल जाकर तय करना पड़ता, तब जाकर सड़क की फैसिलिटी बनती थी। बिल्कुल काला पानी था ये, बिना पुल के कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, कोई जैसे बीमार हो जाता उसे उठा कर लाते थे पीठ पर, तो कोई सुविधा नहीं थी पुल के बगैर। बीमार होते थे, जो पानी आता था नदी आती थी इंतजार करना पड़ता था, बच्चों को सारा सारा दिन इंतजार करना पड़ता था, तो जब पानी उतरता था तब बच्चे आर पार जाते थे स्कूल, कभी कभी जाते नहीं थे। फायदा तो बहुत है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी। इस सड़क में दो पॉपुलेशन हमारी, एक कुरना और एक चोंबू गांव, ये जुड़ नहीं पाए थे, तो इसे हमने मिसिंग ब्रिज के तहत 1,12,00,000 रुपए लगाकर 30 मीटर स्पैन का एक ब्रिज हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिससे कि ये दोनों हैबिटेशन जो रह गई थी वो इससे जुड़ गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने प्रदेश के हर गांव को सड़क संपर्क मार्ग से जोड़ा है, जिससे हर गांव के विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा के साथ शिमला से नंदनी मित्तल की रिपोर्ट।